कई वर्षों पहले भारत में हजारों की संख्या में चीते पाए जाते थे। राजा महाराजा शिकारियों ने अपने अपने फायदे या शौक के लिए चीतों को मारना शुरू किया। किसी ने चीतों की खाल के लिए तथा कुछ खेल खेल में मारे गए, जिसके कारण भारत में 1952 तक सारे चीते विलुप्त हो गए। 70 साल बाद 2022 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता शुरू किया, जो विश्व में पहला ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें चीतों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाया गया। इस प्रोजेक्ट में नामीबिया से 8 अफ्रीकन चीते भारत लाए गए हैं, जिसमें 5 फीमेल तथा 3 मेल चीते शामिल हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में रखा गया है। अफ्रीकन चीते विश्व के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हैं, जो 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। इनकी संख्या विश्व भर में 7,100 है और इन्हें ICUN रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। आपको क्या लगता है, भारत ने अफ्रीका चीतों को लाकर सही किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप UPSC से रिलेटेड GS फैक्ट में अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।